नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। चलिए, हम लोग स्वर देख चुके थे, आज हम लोग व्यंजन को देखेंगे। अच्छा, व्यंजन देखने से पहले आप समझ लीजिए कि व्यंजन होते क्या हैं। ठीक, अगर हम बात करें भैया व्यंजन की, देखिए जब हम बात करते हैं भैया व्यंजन की, अगर व्यंजन की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। भैया अगर हम ध्यान दीजिएगा, क को बोलना चाहें तो का उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां तक हमारी जिह्वा केवल अपने स्थान को परिवर्तित कर पाती है, लेकिन श्वासों का अवरोध रहता है। जब हम इसमें आ को जोड़ देते हैं, ठीक, आ आपका क्या है, स्वर है। जब इसमें हम स्वर को जोड़ देते हैं तब यह व्यंजन अपने आप से पूर्ण हो जाता है भैया। ठीक, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का उच्चारण हमेशा किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं। ठीक, अगर व्यंजन की बात की जाए भैया, तो व्यंजन का संधि होता है व्यम धन जन। अभी हम आपको संधि पढ़ाएंगे, तो व्यम धन जन पढ़ाएंगे भैया। यदि म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन आता है, तो आए हुए व्यंजन का पांचवा वर्ण म के स्थान पर आदेश हो जाता है, अथवा म का अनुस्वार हो जाता है। यानी चाहे हम म का अनुस्वार कर दें, चाहे ज का पांचवा अक्षर म के स्थान पर रख दें भैया, तो हो क्या जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। जैसे इसको हम कह दे लिख सकते हैं, म का अगर हम पांचवा अक्षर करते हैं ज का, तो व्यंजन हो जाएगा। अथवा हम म का अनुस्वार करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, व्यंजन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज यहां पर व्यंजन संधि है। ठीक, व्यंजन में आपका स्वर संधि भी हो सकता है, जब आप इसको कहेंगे भैया विधन अंजन, ठीक, विधन अंजन। बी माने होता बिना, अंजन माने होता काजल, जहां बिना काजल का, ठीक, यानी अब काजल का मतलब जहां कुछ भी ना हो, ठीक, यानी बिना के योग में आता है, यानी इनका उच्चारण नहीं हो पाता, इसलिए इसको बिना कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए विधन अंजन, अगर हम भैया व पर हलंत लगाते हैं तो क्या निकलेगा। अभी मैं आपको बताया था, स्वर जब पढ़ा रहा था
तुम्हें सीधा बताया बताया था भैया कि स्वर क्या होते हैं, कभी भी किसी व्यंजन में हलंत लगाने से स्वर पीछे की तरफ अलग होते हैं, ठीक। यानी यहां स्वर क्या होता भैया, पीछे की तरफ से ही अलग होगा। जैसे व पर हलंत लगाएंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, ईश्वर लगा है तो ईश्वर अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या है भैया, अंजन है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा भैया, अगर ई के बाद कोई असमान यड़ स्वर संधि का आता है, ई के बाद कोई असमान स्वर आता है। अभी मैंने स्वर में ही आपको बताया भैया कि ई धन अ से मिलकर क्या बनता है, यह बनता है, ठीक। ई धन अ से मिलकर क्या बनता है, यह बनता है। तो भैया ई है और यह है मिलकर क्या बन जाएगा, यम बन जाएगा, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, यम बन जाएंगे, ठीक। और यहां पर क्या है, वह है धन यम, और यहां पर क्या है, जन यंजन, ठीक। अब वह जाकर भैया डायरेक्ट किससे मिलेगा, यह से मिलेगा। जब यह से मिलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं भैया व्यंजन, लेकिन अगर आपसे पूछेगा भैया कि व्यंजन में कौन संधि है तो आप प्रथम आदेश करेंगे इसको, द्वितीय आदेश करेंगे इसको, ठीक। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक। अच्छा, व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब हम देखेंगे भैया व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक, इनके कितने भेद होते हैं। अगर मूल व्यंजन की बात की जाए, देखिए मूल व्यंजन की बात की जाए, मूल व्यंजन भेद, तो मूल व्यंजन के बात की जाए तो मूल व्यंजन के तीन भेद होते हैं। और अगर इनकी संख्या की बात की जाए, मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। भेद तीन होते हैं भैया, संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अच्छा, भेद तीन कौन कौन से होते हैं भैया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श की संख्या 25, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका भेद मैं करूंगा तो आपको बताऊंगा। स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 4 और ऊष्म की संख्या 4। तो 25, 4, 33, 25, 4, 29 और 4, 33, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 33। लेकिन अगर आपसे पूछेगा व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के भैया व्यंजन भेद 4 होते हैं, ठीक। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। और चारों की संख्या पूछेगा भैया तो संख्या आपकी हो जाएगी 37। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां भेद में 4 होता है, लेकिन यहां पर 2 द्विगुण भी जोड़े जाते हैं तब इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 39, ठीक। भेद 4 होते हैं लेकिन द्विगुण भी जोड़े जाते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है भैया कि आपसे पूछेगा कुल व्यंजन कितने होते हैं, जब यहां पर कुल शब्द को जोड़ देगा तो कुल शब्द में जोड़ने के बाद अयोगवाह को भी जोड़ देता है और संख्या कितनी हो जाती है, 41। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, ठीक। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर बात की जाए व्यंजन की, अगर बात की जाए भैया व्यंजन की, तो मैंने बताया व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। अगर आपसे पूछेगा मूल व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आप मूल व्यंजन के जानते हैं भैया, मूल व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अच्छा, इसके 4 भेद होते कौन कौन से हैं,
देखिए चार भेद होते कौन कौन से हैं। पहला होता भैया स्पर्श, ठीक। दूसरा होता है अंतस्थ। तीसरा होता है इसका उष्म। चौथा होता है संयुक्त। और पांचवा होता है भैया द्विगुण या उच्छित। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे देखिए पूछेगा कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, चार भेद। आप कहेंगे सर जी यहाँ पांचवा भी आप लिख दिए। द्विगुण या उच्छिप्त को भैया केवल गिना जाता है, सॉरी लिखा जाता है, गिना नहीं जाता है। इसमें आता कौन कौन सा है? तो इसमें आता है ड और ढ। अब ध्यान दीजिएगा, ड और ढ को गिना क्यों नहीं जाता है, सॉरी द्विगुण को गिना क्यों नहीं जाता है? संख्याओं को गिना जाता है लेकिन उनके भेद को नहीं गिना जाता, तो भेद को नहीं गिना जाता है। जैसे आप कहते भैया डमरू, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप का से भैया कैलाश लिख सकते हैं, का से आप कबूतर लिख सकते हैं, ठीक, और ख से आप खराहा लिख सकते हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा, खराहा, खरा माने खरगोश, देसी शब्द है। ख से आप खराहा लिख सकते हैं भैया। ध फार धनिया आप लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ड फार डमरू आप लिख सकते हैं। तो इस ड से भी तो कोई अर्थ होना चाहिए, कोई शब्द होना चाहिए, कोई शब्द नहीं होता। इसलिए जानते हैं यह किसी भी शब्द के अंत में आएगा या तो मध्य में आएगा। इसी प्रकार भैया ढ फार आप ढक्कन लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो ढ है ना, यह तो मध्य में आएगा या तो अंत में आ जाएगा। जैसे आप भैया लिख सकते हैं सड़क। देखिए अगर इस डमरू के नीचे हम भैया बिंदी लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा, इस डमरू के नीचे अगर हम बिंदी लगा दिए तो यह क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और इसके लिए बिंदी नहीं लगा है नीचे, तो यह भी क्या है, गलत है। यहां आपका बिंदी लगेगा। अगर आप लिख रहे हैं भैया बड़ा, तो यह आपका गलत है। कब तक गलत है? जब तक आप बिंदी नहीं लगा सकते। अब यह हो गया आपका सही। देखिए यह कभी आगे नहीं आता, जब भी आएगा मध्य में आएगा तो अंत में आएगा। ढक्कन में भी इसी तरह, देखिए आप लिख सकते हैं भैया पढ़ाई, ठीक, या तो मध्य में आएगा तो अंत में आएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको द्विगुण, दो गुणों को प्रकट करने वाला उच्छिप्त। उच्छिप्त का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या करती, फेंकने का कार्य करती, उछालने का कार्य करती। जैसे आप बोल के देख सकते हैं भैया डमरू। डमरू जब हम बोलते हैं तो क्या होती है, हमारे मुख से जो ध्वनि होती है वह आराम से निकलती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, डमरू। और आप जब बोलते हैं भैया सड़क, देखिए सड़क, ड को हम तेजी से बोलते हैं, छटकने का कार्य करते हैं, डमरू, सड़क, ढोल, ढक्कन, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, फेंकने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त बोलते हैं, ठीक। चलिए अच्छा इसमें आपका था, हम इसको भी मिटा दिया, ड और अब हम आते हैं इधर। अब हम बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श कहता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या
क्या होता है भैया, मुख से श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है अथवा मुख से श्वास की मात्रा ज्यादा, सॉरी, जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख विवर के स्थानों को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा हमारे मुख विवर के स्थान को क्या करती भैया, स्पर्श करती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भैया 25 होती है। ठीक, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और ध्यान दीजिएगा 25 में कितने वर्ग होते हैं भैया, 25 में 5 वर्ग होते हैं। अगर कभी आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में आप लिख सकते भैया, हिंदी हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ग होते हैं। ठीक, अगर कभी आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं भैया, उससे ज्यादा वर्ग होते ही नहीं है। ठीक, वर्ण आपके भले ज्यादा है, कुल 52 वर्ण है, लेकिन वर्ग की बात करेगा तो वर्ग कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब ये अगर हम 5 वर्ग की बात करें भैया, तो वर्ग तो 5 ही हो गए आपके, लेकिन अगर आपसे पूछेगा एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो एक वर्ग बराबर 5 वर्ण। अब आपसे पूछेगा भैया स्पर्श की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श में 5 वर्ग होते हैं, तो इसका मतलब भैया 5 × 5 = 25, कुल संख्या कितनी हो गई, 25। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये जो 25 संख्या है ये कौन कौन सी संख्या है। ठीक, चलिए तो इसमें वर्ग कौन कौन से, तो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों के 5-5 संख्याएं होंगी, तो पहला हम देखते हैं भैया क वर्ग। अगर क वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग में 5 संख्या। ठीक, इसी प्रकार दूसरा होगा भैया आपका च वर्ग, तीसरा होगा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 5-5 होती है। क वर्ग की बात करेगा तो क वर्ग में आता कौन कौन सा है, तो भैया एक चीज जानते हैं, 5 की संख्या होती है, तो यानी अब इनमें वर्ग भी बनता है। तो अगर वर्ग के प्रथम वर्ण की बात करें तो प्रथम वर्ण होता है भैया क, च, ट, त, प। ये आपका क्या होता है, वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता भैया कि वर्ग का प्रथम वर्ण कौन होगा, तो कच्च ट त प। और अगर वर्ग का नाम लेगा तो वर्ग भी 5 होते हैं, कच्च ट त प। संस्कृत में इसी को बोलते हैं भैया कुचु टुतुपु। अब ध्यान दीजिए कुचु टुतुपु कैसे बोलते हैं भैया, कु माने क वर्ग, चू माने च वर्ग, टू माने ट वर्ग, तू माने त वर्ग, पु माने प वर्ग। अच्छा क्यों, क्योंकि संस्कृत में जब आप सूत्र याद करेंगे भैया तो वहां आपको सीधा सीधा मिलेगा अकुह विसर्जनिया नाम कंठ इचु यसा नाम तालु ऋतु रसा। अकु विसर्जन कु मिला ना, इसी को कहते हैं क वर्ग। अकु विसर्जनिया नाम कंठ इचु यसा नाम तालु ऋतु रसा नाम मूर्धालि सुलता नाम दंता उपो पद्मा नाम ओष्टव यम गणना नाम नासिका ये दौतो कंठ तालु वो दौतो कंठोष्टम वकार दंतोष्टम जीवा मूलम मूलिच। ये आपको मिलेगा। ठीक,
और जहां मिलेगा भैया कु माने क वर्ग हो जाएगा, आप इसको उतना इतना जानते रहेगा। उच्चारण स्थान, अभी मैं खुद यहाँ उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा वर्णों का उच्चारण स्थान, तो वहां मैं फिर से चर्चा करूंगा आपसे, ठीक। चलिए अब वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता भैया, क च ट त प, ठीक। अच्छा वर्ग के द्वितीय वर्ण की बात करता है, तो वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाएगा भैया आपका ख छ ठ थ फ। इसे हम क्या कहेंगे भैया, वर्ग का द्वितीय वर्ण। अगर वर्ग के तृतीय वर्ण की बात करता है, तो तृतीय वर्ण में आएंगे भैया आपके ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, ठीक। अभी आप महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे जब संस्कृत में, तो वहां सीधा सीधा पूछता भैया कि अच्छा प्रत्याहार जब आपसे पूछता है, सीधा सीधा पूछेगा जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड, प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के द्वितीय वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण, तो आपको बताएंगे भैया ज ब ग ड द स, तो वर्ग का तृतीय वर्ण ही आएगा उसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक। चलिए अच्छा इसमें चौथे में आएगा भैया घ झ ढ ध भ। और अगर पंचमाक्षर की बात करेंगे, तो पंचमाक्षर में आ जाएगा भैया ng ny ड न म। ये आपके हो गए 25। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा इसको पढ़ेंगे कैसे, क च ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड द ब घ झ ड द भ ङ ञ ण न म। एक बार फिर से देख लीजिएगा क च ट त प, अब वो पढ़ाई आप छोड़ दीजिए कक्षा 1 के बच्चों की तरह, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ड त थ द ध न प फ भ म य र ल, ये सब छोड़ दीजिए। अब आपको पढ़ना है क च ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ ङ ञ ण न म, ऐसे में आपका फायदा रहेगा। अभी हम आपको प्रयत्न भी पढ़ाएंगे, जब हम आपको प्रयत्न पढ़ाएंगे तो सीधे सीधे पढ़ाएंगे भैया कि वर्ग का वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग क्या होता है, अघोष होता है, यानी क ख च छ ट ठ थ थ प फ, ये सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड द ध न ब भ म, ये क्या है भैया आपके सघोष है। फिर हम आपको बढ़ाएंगे भैया कि अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं, यानी क ग ङ च ज ञ ट ड ड त द न प ब म, ठीक। ये सब चीजें भी हम आपको बताएंगे, तो अब आपको ऐसे ही पढ़ना भैया क च ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड द ब घ झ ड द भ ङ ञ ण न म। अब ध्यान दीजिएगा ये स्पर्श हो गए भैया, इनके उच्चारण हमारे जीव मुख विवर के स्थान को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। अब हम बात करते हैं भैया अंतस्थ की, अगर हम अंतस्थ वर्ण की बात करेंगे तो अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती है। अच्छा इसमें 4 आते कौन कौन से हैं, तो इसमें आता भैया आपका 4 य र ल व। अच्छा ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पहले से ही बताया भैया कि य और व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, र को बोलते हैं भैया लुंठित या प्रकंपित, ठीक। और ल को बोलते हैं भैया आपके पार्शिक,
ल को बोलते हैं पार्श्विक। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, य व को अर्धस्वर बोलते हैं और ल को पार्श्विक बोलते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है भैया निम्न में अर्धस्वर हैं, ठीक, तो ऑप्शन में दे सकता है भैया घ य, फिर दे सकता है झर, फिर दे सकता है य व, फिर दे सकता है ल और व। तो ल और व भी है लेकिन ये संस्कृत में, हिंदी में य और व दो ही होते हैं। आपसे पूछ सकता है भैया निम्न में पार्श्विक वर्ण है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे ल, क्योंकि ल को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती हुई वायु दोनों तरफ से पास हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं। दूसरी चीज, अब हम आते हैं भैया उष्म व्यंजन पे। अगर उष्म व्यंजन की बात करेगा ना, तो उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उष्म व्यंजनों की संख्या भी होती है भैया चार। ठीक, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार होती है, और इसमें आता है चार भैया स स और स। अच्छा, और एक आता है भैया आपका है, ध्यान दीजिएगा जो स स स और ह होते हैं भाई, तो इसमें जो स होता है, आप अब सोचेंगे स बोला जा रहा है तो कौन सा बोला जा रहा है, तो ये इसका उच्चारण हमेशा तालु से होता है, स पीछे की तरफ से, इसका उच्चारण भैया स और इसका उच्चारण स से ज्यादा सीटी इसी में निकलती है क्योंकि ये दांत के पास से आ जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवधी भाषा में भैया तालब्य स का प्रयोग नहीं किया गया है। एक कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कभी पूछ ले तो तालब्य स यही है, इसको बोलते हैं भैया तालब्य स, इसको मूर्धन्य स, इसको दंत स और इसको काकल्य। ह को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे भैया काकल्य। ह को काकल्य भी कहा जाता है, और अगर इन चारों की बात की जाए तो इन चारों को उष्ण संघर्षी भी बोलते हैं, अभी इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक, और इसको भैया तालब्य, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है इसलिए इसको तालब्य बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है इसलिए इसको दंत्य बोलते हैं। ठीक, तो आज से आप लोग बड़का सा छोटका सा मझिलका सा कहना छोड़ दीजिए, अभी आप लोग कहेंगे भैया तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। अच्छा, हम आते हैं भैया अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगर आपसे बात करेगा भैया संयुक्त तो व्यंजन की, तो इसकी संख्या दो होती है, आप लोग भूल गए थे, और अगर संयुक्त तो व्यंजन की बात करेगा तो संयुक्त तो व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है भैया, दो चार, संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार होती है। अब संयुक्त व्यंजन में चार होते कौन कौन से हैं, ये मिलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें आते हैं भैया, इसमें आपका आता है छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक, ये चार वर्ण होते हैं, अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। अब ध्यान दीजिएगा जो श होता है भैया एक क प्लस स से मिलकर बना होता है। ठीक, जो त्र होता है ये बनता भैया त प्लस र से, और जो ज्ञ होता है यह बनता है ज प्लस ञ से, और जो स्र होता है यह बनता भैया स प्लस र से। ठीक, अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे करता क्या है भैया, आगे वाले वर्ड पर हलंत न लगाकर पीछे वाले वर्ड पर हलंत लगा देता है। अगर ऐसी चीजें पूछता है तो भी आप जानते रहिएगा भैया कि ये सब क्या है, संयुक्त ही है, लेकिन ये पे हलंत लगाए इसलिए क्या है, गलत है। ठीक, जब कभी भी हलंत लगाएगा पहले में लगाएगा, अगर बाद वाले हलंत लगाएगा तो जैसे अगर छ को दे देगा भैया
छ किन दो स्वरों दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो क प्लस स। अगर इस पर भी हलंत लगा दिए गलती से तो इस पर भी हलंत लगाएगा, और अगर इस पर हलंत नहीं लगाया है तो आप जानिएगा कि इसके पीछे अ लिखा हुआ मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर अ को गायब करेगा तो इस पर हलंत लगाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, चलिए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इतने हो गए भैया इसका व्यंजन का वर्गीकरण हो गया। अब अगर हमसे कभी पूछता है कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, कैसे होते हैं, तो इसकी परिभाषा को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। चलिए, आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए भैया, अगर हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन को हम पुनः क्यों पढ़ा रहे हैं, ये आप जानते रहिएगा भैया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कुछ चीजें यूनिक होती हैं संयुक्त व्यंजन, जो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहता क्या है भैया, कि जब दो असमान व्यंजनों का योग, देखिए, जब दो असमान व्यंजनों का योग, जब दो असमान व्यंजनों का योग आपस में होता है, जब दो असमान व्यंजनों का योग आपस में होता है, और उनके बीच दूरी स्वर नहीं होता है, तो वे संयुक्त हो जाते हैं। ठीक, करें भैया, जब दो असमान व्यंजनों का योग आपस में होता है और उनके बीच स्वर नहीं होता, तो वो संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजनों का भी योग दो रूपों में होता है, एक होता है भैया एक वर्णी, एक होता है एक वर्णी, और एक होता है मूल रूपी। जो एक वर्णी होता है उसमें क्या होता है भैया, कि जैसे आपने पढ़ा क प्लस स, तो इन दोनों का मेल इस प्रकार से हुआ कि ये दोनों एक ही रूप में, एक ही वर्ण में परिणित हो गए। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, एक वर्णी। और जो कहते हैं मूल रूपी, ये अपने मूल ही रूप में संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे भैया अगर हम स और व को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, स्व। अब यहां पर ये क्या करते हैं भैया, अपने ही मूल रूप में जुड़ जाते हैं। ठीक, और यहां क्या होता है, एक वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, इसको बताने का कारण क्या था, कभी कभी आपसे पूछ लेता भाई, जैसे लिख देगा अत्यधिक, पूछेगा अत्यधिक में किस प्रकार के व्यंजन का प्रयोग हुआ है, संयुक्त व्यंजन का, द्वितीय व्यंजन का। ठीक, ऐसे करके पूछ लेगा, तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं भैया, द्वित्व लगा देते हैं। लेकिन द्वित्व ऐसा होता नहीं, द्वित्व व्यंजन होता क्या है उसको भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक, द्वित्व
द्वित्व व्यंजन। देखिए द्वित्व को ही क्या कहते हैं भैया, द्वित्व कहते हैं, द्वित्व। अब यह क्या कहता है, जब दो, देखिए ये असमान थे और यहां कहता है जब दो समान व्यंजनों का मेल, जब दो समान व्यंजनों का मेल जब दो समान व्यंजनों का मेल आपस में होता है जब दो समान व्यंजनों का मेल आपस में होता है और उनके बीच स्वर नहीं होता है तो वे द्वितीय द्वित्व कहलाते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया आप क से क जोड़ते हैं, देखिए क धन क, देखिए इस समान, ये देखिए असमान है, ये दोनों असमान है लेकिन ये क्या है भैया, समान व्यंजन है और इनका योग आपस में होता है तो ये भैया बनेंगे क। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस रूप में और इस रूप में आपको अंतर बहुत कम मिलेगा। ठीक, लेकिन इसको आप कहेंगे भैया द्वित्व या द्वित्व व्यंजन और इसको आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन। कभी कभी पूछता है भैया, ऐसे आपको देगा, पूछेगा दिल्ली, कभी कभी क्या पूछा गया क्वेश्चन, पूछा दिल्ली में किस प्रकार के व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे भैया दिल्ली में द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, द्वित्व या द्वित्व, जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, पक्का हो गया, बच्चा हो गया ना, चच्चा हो गया, तो सच्चा हो गया, तो ये सभी क्या होते भैया, द्वित्व या द्वित्व व्यंजन होते हैं। ठीक, अब ये चीजें हो गई, व्यंजन में इतनी चीजें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप कुल 39 व्यंजन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं भैया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपने 25 पढ़ा, अंतस्थ की संख्या आपने 4 पढ़ा और संयुक्त की संख्या भी आपने 4 पढ़ा, ऊष्म की संख्या भी आपने 4 पढ़ा और दो द्विगुण पढ़े आप। देखिए 25 4 29 29 4 33 33 4 37 37 2 39 ये आप पढ़ चुके। ठीक, तो अब इसमें कोई दिक्कतें होगी तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं भैया, बाकी आपका ये व्यंजन हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछता भैया स्पर्श संघर्षी, जब आपसे स्पर्श संघर्षी की बात करेगा, कभी स्पर्श स्पर्श संघर्षी, अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें भैया, तो आप सीधा सीधा जानिएगा स्पर्श संघर्षी में होता है च छ ज और झ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वही भैया पूछ ले ऊष्म संघर्षी, तो ऊष्म संघर्षी में आपका आ जाएगा भैया स, जो ऊष्म होते हैं वही ऊष्म संघर्षी होते हैं, स स स और ह, बाकी आप जानते हैं ह को काकल्य कहते हैं। ठीक, और इसमें ध्यान दीजिएगा झ को अमानक वर्ण की श्रेणी में भी रखा गया, झ को कहाँ रखा गया भैया, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण मतलब जो मानकता को पूरा नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अमानक वर्ण, तो झ को अमानक वर्ण की श्रेणी में रखा गया, यह भी आप जानते रहिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया भैया, अब बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर फिर अगली वीडियो में, आज के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।